डुमरी उपचुनाव में जीत के लिए राजनीतिक दल चुनावी मैदान में पसीना बहा रहे हैं। आज सुप्रमुख सुदेश महतो एनडीए प्रत्याशी यशोदा देवी के पक्ष में प्रचार करने पहुंचे। सुदेश ने कहा कि डुमरी रामगढ़ दोहराने जा रहा है, एक इतिहास रचने जा रहा है। साथ ही कहा कि सीएम हेमंत सोरेन जितनी बार यहां आएंगे चूल्हा प्रमुख का नाम लिए बगैर नहीं रह पाएंगे। वह पहले भी इसकी ताकत को नहीं समझ पाए, आज भी नहीं समझ पाएंगे। आज सुप्रमुख सुदेश महतो से बात की हमारे संवाददाता राकेश ने। कवरेज करते हुए हम फिलहाल नावाडी में मौजूद हैं और हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए आसू प्रमुख सुदेश महतो हैं। सुदेश महतो ने यहाँ बैक टू बैक कई सभाएं की हैं। सुदेश जी, डुमरी इस बार क्या बोल रहा है, डुमरी का मिजाज क्या बोल रहा है? अब डुमरी की भावनाओं को गांव में देख सकते हैं, डुमरी के लोगों को गांव में देख सकते हैं, उनका अंदाज देख सकते हैं, उनके चेहरे और उनके ललाट को देख के अंदाज लगाइए कि वो क्या चाहते हैं। रामगढ़ दोहराने जा रहा है डुमरी और एक इतिहास रचने जा रहा है। ये आंदोलन की धरती रही है, विनोद विचार से ये लोग ओत प्रोत होकर इस क्षेत्र में आंदोलन को बल दिए हैं। अब यह समय आ गया कि भ्रम की राजनीति, भय की राजनीति और भ्रष्टाचार से लोत प्रोत झारखंड मुक्ति मोर्चा को यहाँ से उठा के हटाने की तैयारी चल रही है। आप नावाडी में हैं और आज मुख्यमंत्री ने भी यहाँ चुनावी सभा किया, चुनावी सभा से एक बार फिर उन्होंने चूल्हा प्रमुख का जिक्र किया। मैं कहा जितने बार आएंगे बिना चूल्हा प्रमुख का नाम लिए नहीं रह सकते हैं। मैं 10 परिवार का एक दायित्व को चूल्हा प्रमुख को रामगढ़ में भी समझ नहीं पाए, यहाँ भी नहीं समझ पाएंगे। 10 परिवार के एक दायित्व, राजनीतिक पॉलिटिकल दायित्व के साथ एक सुलझा हुआ परिवार न केवल वोट की अपील करता है बल्कि वोट के बाद भी उसकी सेवा का गारंटी के साथ ये कार्यक्रम हमारा चल रहा है। एक आरोप भी उन्होंने लगाया, उन्होंने कहा कि आप महिला वोटरों को टारगेट कर रहे हैं, लिफाफे की बात कह रहे हैं मुख्यमंत्री। ये उनको उनके उनके पार्टी को ये शोभा देता है, उन्हीं का बल है, उन्हीं की शक्ति मात्र ही बचा हुआ है। वो खरीद सकते हैं, खरीद फरोख उनका चरित्र रहा है, उसी चरित्र को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। एक बात जो इस डुमरी उपचुनाव में है और जिस बात का जिक्र आप लगातार हर चुनावी सभा में कर रहे हैं कि आप सरकार के 2019 के वादे का रियलिटी चेक करने के लिए निकले हैं, तो सुदेश महतो उस रियलिटी चेक में क्या कुछ पा रहे हैं? तो उसी को देखने निकला हूं। मैं तो बोल रहा हूं कि मैं पंच पंचायत में जाकर मैं लोगों से मिल रहा हूं। मैं देखना चाहता कि हेमंत जी का 3 लाख का आवास कहाँ पर है, जहाँ पर माँ पिताजी के लिए अलग अलग कमरे बने हुए हैं जिनमें पंखा, बिजली, शौचालय सभी सुविधा कहाँ उपलब्ध है। मैं उस नौजवान से मिलने निकला हूँ जिस नौजवान को 5 लाख नौकरी के दायरे में आ गए, उस परिवार से निकला हूं जिस घर का नौजवान नौकरी ना मिला हो तो 5,000 और 7,000 का स्टाइपेंड मिलता हो। मैं उस परिवार से मिलने निकला हूं जिस परिवार को चूल्हा खर्चा के नाम पर 72,000 देने की वादा किया था। मैं उस मां से मिलने निकला हूं जिसके बेटी या बेटा 12 के बाद 5 लाख का क्रेडिट कार्ड लेके घूम रहा है। यही देखने के लिए निकले हैं। सरकार के इसी वादे को 4 साल के अंदर में कहां स्थापित हो पाया है, उनके मंत्री रहे क्षेत्र में 4 बार का झारखंड मुक्ति मोर्चा के क्षेत्र में किस गांव और किस कोने में यह व्यवस्था छिपी हुई है, उसी को देखने सुदेश महतो निकला। एक बात आप कह रहे हैं कि ये चुनाव का कार्यकाल भले ही छोटा है लेकिन इस चुनाव का जो मैसेज है और जो महत्व है वो बड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए मेरी अपील हमेशा रह रही है कि एक वोट छूटना नहीं चाहिए। ये मात्र केवल एक विधायक का चयन नहीं होगा, ये राज्य की राजनीति को नई दिशा देगा और झारखंड मुक्ति मोर्चा के भ्रम को तोड़ेगा। एक आखिरी सवाल चलते चलते आपसे ले लेते हैं कि इस बार आप अकेले नहीं है, आपके साथ एनडीए है, एकजुटता के साथ है, बीजेपी के नेताओं का कितना सपोर्ट आपके प्रत्याशी को आपको मिल रहा है? एक एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, उनके सारे इकाई लगे हुए हैं और वो मेहनत कर रहे हैं और निश्चित रूप से जब अंतर आप देखेंगे उनके साथ होने का वो दिखाई देगा आपको। बीजेपी के बड़े नेता भी यहाँ कैंप कर रहे हैं, कैंपेन करेंगे, जिनको जो दायित्व उनके दल की ओर से मिला है वो अपना काम कर रहे हैं। साझा कार्यक्रम चल रहा है, ये हमसे ज्यादा यहाँ की जनता लड़ रही है। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। कैमरामैन उमेश के साथ राकेश कुमार, न्यूज 11 नावाडी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।